मेरे पैगंबर सलाम ने फरमाया मियां बीवी नू चाहिदा है पहली रात अपनी अज़वाजी जिंदगी दा आगाज नमाज तो करया करन। दो रक्ता बेगम भी पढ़े, दो रक्ता खामद भी पढ़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह में कुर्बान जावा। हजरत ते सीवकार ते इत्थे किए, इत्थे दुल्हन दे कमरे दे विच उच्ची आवाज नाल गाना, सारी रात गाना चलदा है, सारी रात डेक चलदा है, सारी रात म्यूजिक चलदा है। वो मैनूं दस ते सही ना, पैगंबर दी सुन्नत किधर चली गई है? मेरे पैगंबर दा तरीका किधर चला गया है? मेरे पैगंबर दा दसिया दसूर किधर चला गया है? अल्लाह अकबर, सारी रात गाना चलदा है, ना कुरान है, ना सुन्नत है, ना हदीस है, ना नमाज है, कुछ भी नहीं, सिर्फ गाना ही गाना, म्यूजिक ही म्यूजिक, गम दी गम दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह में कुर्बान जावा। हजरत जीवाकार, मेरे पैगंबर ने गाने तो नफरत की थी, मेरे पैगंबर ने म्यूजिक तो नफरत की थी। फरमाया मैं अल्लाह की जमीन ते तपला सुरंगी ते बाजा ते गाजा ते चिमटे ते ढोल तोड़ना आवा। मेरा नबी नफरत कर दे, तू प्यार करना है। मेरा नबी नफरत कर दे, तू प्यार करना है। तू ढोल बजाना है और तू जनाब बैंड बाजे का अहतमाम करना है। कई बंदे विचो बरादरी दे उठ के, लो जी ए बरात जांदी पई है कि जनाजा जांदा पिया है? कोई शोर नहीं, कोई जनाब डम डम नहीं। कई बंदे तो लड़ खलोंदे ने, वो कोई ढोल आला नहीं सद्या भाई, ऐं जिवें ढोल आले सारे दे कज़न लगदे हुंदे ने। एड्डी पीड़ पैंदी इहनूं भी ढोल आले क्यों नहीं आए, तो वाजे तो गाजे वाले क्यों नहीं आए? कई खाम खां में ड्रामा बना खलोंदे। सुन्नत के मुताबिक शादी करो, उहदा फायदा बड़ा है। अल्लाह की कसम, असी अजमा के वेखिया है कि सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे उहदे च बरकतां बड़िया ने, उहदे च आसानियां बड़िया ने, उहदे च रहमतां बड़िया। मेरे दोस्त गल सुनाई, बहावर पुल के इलाके को गाँव है, तो नौजवान ने दाढ़ी रखी हुई तो चले गए। बरात जब पहुँच गई ना, तो लड़की कहन लगी मैं शादी नहीं करनी, मैं नहीं यदि ना। उन्हें आख्या क्यों? उन्हें आख्या मैं पहले भी फोन पर कई बार आख्या सी भी दाढ़ी मैनू पसंद नहीं, जे आना तो दाढ़ी खत्म करके आवे, दाढ़ी मना के आए, लिहाजा दाढ़ी नाल आया है, मैं निकाह नहीं करना। बाप अपने बेटे को आया, पुत्र मेरी इज्जत नहीं रही, बरात वेली वापस तुर जाए, मेरी गैरत का जनादा निकल जाना है, तो पुत्र एक बार दाढ़ी मना दे, आप कुड़ी लै जाइए, बाद दे विच तू रख लवे। उन्हें आख्या बाप मैं तेरी इज्जत वेखा कि मुहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत वेखा? मैं दाढ़ी मना देवा, मैं कमली वाले नू केड़ा मुंह खाना है? अब्बा मैं दाढ़ी नहीं मना सकता। बरात वापस तुर पई, पिंड का वडेरा नंबरदार बंदा, उन्हें जांदिया वेख्या, उन्हें आख्या खैर एड्डी छेती मुड़े आंदे हो? उन्हें सारी गल सुनाई, उन्हें पूरी बरात बिठा ली। उन्हें आख्या हुण मेरे पिंड आयो, एवें चले जाओ, एक गल चंगी नहीं। पानी पिलाया, बिठाया, घर जाके आपकी घरवाली ने मशुरा किया, करमवाली रिश्ता चल के बड़ा चंगा बूहे ते आ गया है, जे तू इजाजत देवे ते आपां शादी कर जाइए। दोवें मियाँ बीवी राजी हो गए, बच्ची का निकाह कर दिता। वो गए जनाब एक आम घर टुकन गए, अल्लाह ताला ने खैर कर दी, नंबरदार दे घरों बेटी लैके जाते पे। ऐसिया बीसियों मिसालां मैं दे सकना कि जिन्ना सुन्नत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक शादी की, अल्लाह ने उहदे विच किन्नियां बरकतां रखियां, किन्नियां खैरां रखियां। अल्लाह अकबर, अल्लाह दो हो गई। तीसरा नुक्ता उड़ाइए, गल मुकाइए। हजरत जीवकार, तीसरा नुक्ता फजूल खर्ची दा। का दा? फजूल खर्ची दा। किवें कड़कने नोट इंज सुटदा है, तो इंज वार दा नोट एडा वाधू पैसा आया है, तो पता लगता, पता उदों लगता भी कर्जा चुक के करदा पिया। चंगा भी तू एडा तू फन्ने खा रही था नहीं, भी रोटी खाण नू लभदी नहीं, कर्जा चुक के बंदा दथियां सुटे। इस तो वड्डा मेरे ख्याल दे विच कोई बंदा फजूल खर्च कोई नहीं, इस तो वध के बंदा बेअकल कोई नहीं, कि पल्ले पैसा कोई नहीं, कर्जा चुकिया ते कर्जा चुक के वेला सुटी जांदा। अल्लाह फरमाते ने इन्नल मुबज़्ज़िरीना
इन्नल मुबज्जिरीन कुरान पाक इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन फरमाया जिहड़े फजूल खर्ची करदे ने शैतान दे बेली ने नहीं इंज नहीं आख्या कानू इख्वान शयातीन शैतान दे भरा ने शैतान दे भरा ने कुरान कहिंदा है फजूल खर्ची करन वाला शैतान दा भरा है इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन इजराज करके दथियां प्योडाना है किसे गरीब नू दे दे किसे मिसकीन नू दे दे किसे यतीम नू दे दे किसे बेवा नू दे दे अल्लाहु अकबर दा में कुर्बान जावा इजड़ियां कजरियां सदियां ने उन्हां तो सुटदा पिया है उन्हां नू दफा कर अपने मां बाप ते खर्च करिया कर तेरे मां बाप तेरे ते राधियो जान गए अर्श वाला रब भी तेरे ते राधियो जाएगा तेरे मां बाप तेरे ते राधियो जान गए आसमान तो तेरे ते रहमतां दा नज़ूल हो जाएगा अल्लाहु अकबर अल्लाह फजूल खर्ची जायद नहीं शादी दी अंदर हजरात ते जीवकार म्यूजिक ते तबला ते सरंगी जायद नहीं शादी दी अंदर बेपर्दगी जायद नहीं शादी दी अंदर क्या मेरे पैगंबर दे दौर विच शादियां नहीं होईयां क्या सहाबा दियां बरात नहीं गई क्या मेरे पैगंबर के दौर में सब कुछ नहीं होया सब कुछ होया लेकिन बिल्कुल शरीयत के मुताबिक होया अगर ओ बैंड बाजे तो बगैर शादियां हो सकदियां ने ते आज साडियां क्यों नहीं हो सकदियां अगर ओ शादियां फजूल खर्ची तो बगैर हो सकदियां ने आज साडियां क्यों नहीं हो सकदियां अगर ओ बेपर्दगी तो बगैर हो सकदियां ने आज साडियां शादियां बेपर्दगी तो बगैर क्यों नहीं हो सकदियां आओ सुन्नत के मुताबिक शादियां करो सुन्नत के मुताबिक मेरे पैगंबर अलैहि सलातु वसलाम दा हर तरीका अपनाओ सुन्नत के मुताबिक अल्लाहु अकबर अल्लाह में कुर्बान जावा हाँ मेरे मोहतरम भाई सुन्नत के मुताबिक अमल करिया कर और ऐसी बीवी दा इंतखाब करिया कर अल्लाह ला जड़ी दीन विच तेरी मामनत बन जाए शादी हुसन वेख के ना करिया कर बीमारी आए हुसन भी तुर जाएगा मियां बीवी दी मोहब्बत भी मुक जाएगी दौलत वेख के शादी ना करिया कर अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आया गुरबत आ जाएगी मोहब्बत भी मुक जाएगी शादी दीन वेख के करिया कर ना कदी दीन मुकेगा ना कदी मियां बीवी दी मोहब्बत मुकेगी अल्लाह ने दुआ दसी है कुरान पाक अंदर दुआ करया कर रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनन व जअलना लिल मुत्तकीना इमामा फरमा लोगो जेडे मेरे नेक बंदे ने वो मेरे को दुआ करते ने की कहते ने रब्बाना ऐ साडे रब हबलाना सानू अता फरमा मिन अज़वाजिना बीविया व ज़ुर्रियातिना फिर बीविया दे विच औलाद कुर्रत आयुनन बीविया बीज दियां होवन उहनां नू वेख के साडियां अखां ठंडियां हो जाण अगोना विचो औलाद भी इजदी होए औलाद नू वेख के भी अखां ठंडियां हो जाण हज़रात ते ज़ीवकार पहले बीवी दा ज़िक्र फिर औलाद दा ज़िक्र फिर अखां दी ठंडक दा ज़िक्र हुण पिछे नू आ जाओ अखां ठंडियां कदों होणगियां जदों औलाद नेक होएगी औलाद नेक कदों होएगी जदों बीवी नेक होएगी ते नेक बीवी कित्थों लभेगी फेसबुक तो लभ जाएगी व्हाट्सएप तो लभ जाएगी ईमो ते गूगल तो लभ जाएगी यूट्यूब तो लभ जाएगी ना ना नेक बीवी फेसबुक चो नहीं लभेगी नेक बीवी कुरान और सुन्नत तो लभेगी।